उत्तर बिहार में हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की कहर देखने को मिलते रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें कई लोग मौत की नींद भी सो जाते हैं और कईयों की आसियाने भी तहस नहस हो जाता है। इसी को देखते हुए समाज के कुछ लोगों ने कमला महारानी से गुहार लगाया है कि इस बार बाढ़ की खौफनाक दृश्य नहीं दिखाए और किसी भी आम लोग व परिवारों को अपने आगोश में नहीं ले। इसलिए देर शाम सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कमला महारानी की आरती किया। जयनगर अनुमंडल स्थित कमला नदी में संध्या आरती का आयोजन किया गया। जब माँ कमला की आरती हो रही थी तो उस समय पूरे जयनगर में भक्तिमय माहौल था, लेकिन जिस तरह से वाराणसी में माँ गंगा की आरती होती है उसी तरह से अब कमला महारानी की भी आरती करना शुरू कर दिया गया है और अब यहाँ हर सप्ताह यह आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने माँ कमला की साप्ताहिक आरती की शुरुआत किया है, जिससे इस बार माँ कमला बाढ़ को अपने नियंत्रण में रख सके और आम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए अब हर सप्ताह में मां कमला की आरती किया जाएगा। वहीं कमेटी के संयोजक अरविंद तिवारी ने कहा, ये आरती की शुरुआत नहीं बल्कि लोगों ने ये प्रण लिया है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मां कमला की आरती होते रहेगा। आपको बता दें 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे, इसलिए लोग अब भक्तिभाव कर रहे हैं। यहाँ का मंत्र है कमला बिमला मिथिला धाम, अवध है सरयू सीताराम, अवध है हरिद्वार और बनारस में यहाँ के नर नारी आरती देख चुके थे। आज वर्षों से यहाँ के लोग को दबाव था कि आरती हो, आज कर करते करते संत महात्मा के आशीर्वाद से समाज के सहयोग से ये आरती का आयोजन किया गया और किसी एक आदमी को नहीं पूरे जयनगर के आम माँ बहन के द्वारा ये आरती का सबसे बड़ी बात है कि संकल्प लिया गया आज कि प्रत्येक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माँ कमला के आरती जयनगर कमला पूर्व पश्चिम तट पर्णकुटी के पास अनवरत साप्ताहिक सोमवार के सोमवार आरती चलेगा। ठीक आज से 33 सप्ताह के बाद जब माँ कमला का जन्म माघी पूर्णिमा के अवसर पर होगा तो कमला माँ का दिन सोमवार और शुक्र है और 33 सप्ताह के बाद इसको सोमवार और शुक्र किया जाएगा। मित्रों, आप मीडिया वाले हो, यहाँ के नर नारी, यहाँ के भाई बंधु सभी जो सनातन को मानने वाले हैं, सारे लोगों ने अपनी उद्गारता, अपनी भक्ति और अपनी उपस्थिति के कारण आज माँ कमला जय जयकार हो रहा है। इसके लिए आप सभी को मैं अपनी जय माँ कमला सेवा समिति जयनगर के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। यही शब्द के साथ फिर अगला सोमवार को मिलेंगे जो सभी लोग